पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में अयोध्या मामले के फैसले को लेकर पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस ने 24 घंटे में अभियान चलाकर लगभग 30 वारंटियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा यह अभियान मुरादाबाद नगर के अलग अलग स्थानों में चलाया गया, जिसमें वांटेड तथा NBW के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या विवाद में फैसला आने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लोग शांतिपूर्ण माहौल में स्वीकार करें और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मुरादाबाद पुलिस के 24 घंटे में अभियान चलाकर लगभग 30 आरोपियों को एक साथ अरेस्ट कर लिया। पुलिस के द्वारा 26 वांटेड तथा 4 NVW के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माना यह जा रहा है कि पुलिस के द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं अयोध्या मामले को लेकर सतर्कता नजर आ रही है, जिससे कि आए हुए फैसले का शांतिपूर्ण तरीके से स्वागत किया जा सके और माहौल शांत रह सके। पुलिस का कहना है कि अभी अभियान जारी रहेगा। ये 4 नवंबर 2019 को 24 घंटे का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें सभी वारंटियों को गिरफ्तार करने का टारगेट दिया गया था। वारंटी प्लस वांछित, जिसमें 26 NVW और 4 वांछितों को पकड़ा गया है और इनके ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे जो कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनकी अच्छी से आगे उनके आगे बढ़ेगी। सर, कितने थानों को गिरफ्तार हुआ हमारे सिटी? ये जो था, ये कार्यक्रम जो चला है, ये पूरा सिटी क्षेत्र में चलाया गया है। इसमें हर थाने से कार्रवाई की गई है।